नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कभी वे रोक टोक तिब्बत से व्यापार करते थे अनवाल, आज अपने देश में भी गुजारा हुआ मुश्किल। रिफ्यूजी फिल्म का एक गाना है, पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना ही नहीं रोके। चीन की दादागिरी से पहले उत्तराखंड के अनवालों का भी यही हाल था। अनवाल पड़ोसी तिब्बत तक बे रोक टोक व्यापार के लिए आते जाते थे। चीन ने जब से तिब्बत पर कब्जा किया, स्थितियां बदल गई। तिब्बत के साथ होने वाला व्यापार मंदा पड़ गया। अब भारत के उत्तराखंड के राज्य में जो अनवाल बचे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बेहद कठिन है। जेल में फूटा HIV बम, हल्द्वानी जेल में मिले 40 कैदी HIV पॉजिटिव। कारागार प्रशासन में मचा हड़कंप। कुमाऊं के सबसे अधिक कैदियों वाली हल्द्वानी जेल में HIV बम फूटने से हड़कंप मचा हुआ है। जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हल्द्वानी जेल में 40 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, इसमें से एक महिला कैदी भी शामिल है। HIV संक्रमित सभी कैदियों को सुशीला तिवारी अस्पताल ERT सेंटर में इलाज चल रहा है। यह सभी कैदी जांच के दौरान HIV पॉजिटिव पाए गए। वहीं डॉक्टरों की माने तो HIV संक्रमित मिले कैदी अधिकतर ड्रग्स एडिक्ट हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह में बोले नेता, BJP ने की लोकतंत्र की हत्या, प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुभवहीन। लामगढ़ा विकासखंड में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को अनुभवहीन मुख्यमंत्री बताया गया। लक्सर में जान जोखिम में डालकर सोलानी नदी पार कर रहे ग्रामीण पुल बना शो पीस। तहसील क्षेत्र के मथाना गांव के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से सोलानी नदी पर बनाया गया पुल शो पीस बनकर खड़ा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सोलानी नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। 27 फरवरी 2021 को पुल का निर्माण शुरू किया गया। पुल तो बनकर तैयार कर दिया गया, लेकिन पुल को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग नहीं बनाए गए। आज भी पुल से जोड़ने के लिए मार्ग नहीं बन पाया है। लक्सर पुलिस ने 2 तस्कर किए गिरफ्तार, 6 कछुए बरामद। पुलिस की खानपुर थाना क्षेत्र स्थित गोवर्धनपुर गांव से 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी वन तस्करों के नाम अरुण और दीपक है। दोनों ही आरोपी पतरी थाना क्षेत्र स्थित धनपुरा गांव की सपेरा बस्ती के निवासी है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने संरक्षित प्रजाति के जलीय जीव बरामद किए हैं। दिखावे का दमकल, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे फायर ब्रिगेड, जरूरत के हिसाब से नहीं है व्यवस्था। विकास नगर के त्यूनी क्षेत्र में हुए अग्निकांड ने सरकार को फायर सर्विस के बारे में फिर से विचार करने को विवश कर दिया। सिलेंडर फटने से लगी आग ने 4 जिंदगियां लील की। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों का पानी समाप्त हो गया, जिसके बाद फायर कर्मी और प्रशासन के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। भतीजी के संग गंगा में छलांग लगाने वाले मनीष का शव भी हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। 30 मार्च को ऋषिकेश चाचा भतीजे ने गंगा में छलांग लगा दी थी। 5 अप्रैल को भतीजे का शव बरामद हो गया। अब चाचा का शव भी SDF ने बरामद कर लिया है। शव की पहचान मनीष के रूप में हुई है। पुलिस दोनों की मौत के कारणों का पता लगा रही है। हल्द्वानी में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, असफल रहने पर तेजाब डालने की धमकी। हल्द्वानी में मनचलों का आतंक है। लाल कुआं कोतवाली इलाके में एक शोहदे ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी नापाक कोशिश में युवक सफल नहीं हुआ तो बच्ची को जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी देकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मनचले को अरेस्ट कर लिया है। टिहरी में अफीम की खेती पर चला पुलिस का डंडा, 36 लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। टिहरी के गंडीसौड़ तहसील क्षेत्र के नाला गांव में अफीम की खेती पर पुलिस प्रशासन का डंडा चला। यहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। जब टीम गांव पहुंची तो अफीम की खेती करने वाले लोग फरार हो गए, जिसके बाद थाना छाम में 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तिलक के तेवर, मची सियासी हलचल। तिलक के तेवरों का साइड इफेक्ट करीब आई BJP बहकने पर बड़े कांग्रेस के हाथ। उत्तराखंड कांग्रेस ने किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बयान के बाद खलबली मची हुई है। इस बीच BJP से मंत्री गणेश जोशी और अजय भट्ट ने तिलक राज से मुलाकात की। ऐसे में तिलक के तेवरों के बीच उनके BJP में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो आज हरिजात भी उनसे मिलने पहुंच गए। खास बात यह है कि जब बेहड़ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद कांग्रेस का कोई नेता भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। देहरादून सहित 20 राज्यों के 45 शहरों में मिलेगा IPL का मारक मजा। फैन पार्क में फ्री होगी एंट्री। दूनवासियों के लिए साल IPL बेहद खास होने जा रहा है। दूनवासी अब टाटा IPL फैन पार्क का आनंद ले सकेंगे। देहरादून में 8 से 9 अप्रैल को रेस कोर्स के मैदान में IPL फैन पार्क आयोजित किया जाएगा। फैन पार्क में आने वाले लोगों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। आयोजकों का कहना है कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए IPL 2023 फैंस ऑफ फैन पार्क लेकर आ गया है। इस बार 20 राज्यों में 45 शहरों में फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं द्वार महोत्सव का आगाज, छोलिया नृत्य के साथ रंगारंग कार्यक्रमों ने बांधा समा। ME इंटर कॉलेज ग्राउंड में 5 दिवसीय कुमाऊं द्वार महोत्सव का आगाज हो गया। महोत्सव के पहले दिन छोलिया नृत्य के साथ कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों से कलाकारों ने समा बांधा। महोत्सव की शुरुआत कुमाऊं सिद्ध छोलिया नृत्य से हुई। कुमाऊं महोत्सव में पहाड़ की संस्कृति देखने को मिली। इस मौके पर पहाड़ के उत्पादन के अलावा पहाड़ी खान पान और व्यंजन का लोग लुफ्त उठा रहे हैं। रुड़की में सड़क हादसे में युवक की मौत, वाहन की चपेट में आकर बच्ची की हालत नाजुक।
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर गांव के पास सड़क हादसे में ई रिक्शा पर सवार एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक इंजन पर बनाए जुगाड़ गाड़ी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई। अब पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। दून अस्पताल में 25 बेड का टीबी एंड चेस्ट वार्ड शुरू, स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत ने किया लोकार्पण। उत्तराखंड के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में अब टीबी के मरीजों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। दून अस्पताल में 25 बेड के टीबी एंड चेस्ट वार्ड शुरू हो गया है। इस वार्ड का लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत ने किया। इसके अलावा जल्दी MDR टीबी सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। पटवारी पेपर लीक केस में 60 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, दावों पर 40 अभ्यर्थियों का भविष्य। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में SIT ने 60 आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 20 मुखिया आरोपी हैं। इनमें संजय चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा 40 अभ्यर्थी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया गया है। उत्तराखंड में विधायकों के लैपटॉप पर खर्च हुए जनता के 3.37 करोड़, RTI में हुआ खुलासा। उत्तराखंड में विधायकों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एक RTI से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में विधायकों के लैपटॉप पर जनता का 3.37 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। RTI में मिली जानकारी के अनुसार राज्य गठन से लेकर 5वीं विधानसभा के गठन तक सदन के सदस्यों यानी विधायकों को अब तक 5 बार सभी 71 विधायकों को लैपटॉप दिए गए हैं, जिस पर कुल 3,37,22,149 रुपए की धनराशि खर्च हुई है। रेल से जोड़े जाए कॉर्बेट पार्क रामनगर और हल्द्वानी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट केंद्र से की मांग। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की ये मांग पूरी हो गई तो हल्द्वानी और नगर के लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। दरअसल भट्टे ने केंद्र से कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर और हल्द्वानी के बीच रेल चलाने की मांग उठाई है। ये बात भट्ट ने कालाडूंगी में कार्यक्रम के दौरान कही। भट्ट का कहना है कि ऐसा होने से लोगों को सहूलियत तो मिलेगी, साथ ही पर्यटक भी ज्यादा पहुंचेंगे, जो भी सीधा रेल मार्ग न होने से यहां आने को कतरा जाते हैं। चौबट्टा खाल को सीएम धाम ने दी 129 करोड़ की सौगात, लैंसडाउन का नाम बदलने पर जताई सहमति। सीएम धाम ने चौबट्टा खाल में कल 129 करोड़ से अधिक की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धाम लैंसडाउन का नाम पूर्व CDS शहीद विपिन रावत के नाम पर रखने का आग्रह पे भी सहमति जताई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ये आग्रह किया। दोस्त ने दिया धोखा, महिला की अश्लील फोटो उसके पति को भेजी, ब्लैकमेल कर मांगे रुपए। हल्द्वानी की एक महिला ने दिल्ली के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि युवक ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो खींचकर उसके पति को भेज दिया, जिसके बाद उसके घर में कलह हो गई। इसके अलावा आरोपी कई बार ब्लैकमेल की धमकी देकर रुपए भी ले चुका है। वहीं युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 16 साल की कोरोना पॉजिटिव छात्रा की मौत, चंपावत का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। उत्तराखंड के चंपावत जिले में कोरोना पॉजिटिव 16 साल की छात्रा की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने जीनोम सीक्वेंसिंग और RT-PCR टेस्ट के लिए छात्रा का सैंपल भेजा है। छात्रा को कल गुरुवार को ही गंभीर हालत में चंपावत के जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में शामिल है डोडीताल का अन्नपूर्णा मंदिर, 9 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। डोडीताल में देश के 10 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में एक अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है। यह ऐसा पहला मंदिर है जहां गणेश और पार्वती स्वरूप मां अन्नपूर्णा एक साथ मंदिर में विराजमान है। इस स्थान पर पार्वती ने ताल में स्थान से पूर्व अपनी सुरक्षा के लिए उपटन से गणेश की उत्पत्ति की थी। ग्रीष्म काल के लिए अन्नपूर्णा मंदिर कपाट 9 अप्रैल को खुलेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्व प्रिंसिपल पर केस दर्ज, महिला को दिया था ऑफर, मुझे खुश कर दो तुम्हें बाबू बना दूंगा, फिर क्या रेप का प्रयास। उत्तराखंड के काशीपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज की एक महिला कर्मचारी ने पूर्व प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक के खिलाफ रेप का प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य कई नाबालिग छात्राओं के साथ भी अश्लील हरकत कर चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर को चकाचक करेगा 46 लाख का जटायु, 100 हाथों का काम चुटकियों में होगा पूरा। हल्द्वानी शहर के कुएं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने एक नई मशीन खरीदी है, जो एक बार में करीब 50 सफाई कर्मियों के बराबर काम करेगी। यह जटायु सुपर वैक्यूम मशीन है, जो कूड़े को उठाकर सीधे वाहन में डालेगी, जिससे आसानी से सफाई की जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टेस्टिंग जीनोम सिक्वेंसिंग पर दिया जोर, उत्तराखंड में चिंतन शिविर का किया ऐलान। 10 मई के बाद उत्तराखंड में भी चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कई दौर की बैठकें की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत ने आगामी चिंतन शिविर के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बंपर वैकेंसी, जल्द होगी 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग CRC BRC और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जल्दी भर्ती करने जा रहा है, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। जल्दी इस संबंध में शासनादेश हो जाएगा, जिसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम के बयान के बाद अवैध मजारों पर होगी कार्रवाई, लैंड जिहाद पर सख्त धामी। कॉर्बेट वाइस के आसपास के क्षेत्रों में 9 से ज्यादा कथित अवैध मजारे हैं। ये मजारे अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। कई बार बात होने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज एक बार फिर से सीएम धाम ने अतिक्रमण और लैंड जिहाद मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।